गुड मॉर्निंग। तो आज मुझे एक न्यूज़ मिला कि आईसीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस में कुछ रिडक्शन किया है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस जो कि कोरोना वायरस के कारण हो रहा है, जो स्कूल वगैरह शटडाउन चल रहे हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन चल रही हैं कुछ चीज़ें, बट काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं बच्चों के। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आईसीएसई बोर्ड ने कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस को रिमूव किया है। इस रिमूवल में कुछ पार्ट्स तो चलो ठीक है, जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो हटाए गए, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी हट गए हैं बाई चांस। ठीक है, जैसे ही मुझे सिलेबस के बारे में पता चला कि चेंज हुआ है सिलेबस में, तो मैंने सिलेबस को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो मैं थोड़ा एक बार एनालाइज कर देता हूँ आपके लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स अब रहते हैं सिलेबस में। तो बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए मैं बता दूंगा, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले पढ़ाई के लिए वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। इससे आपको तीन बेनिफिट होगा। कौन कौन सा बेनिफिट होगा? पहला बेनिफिट, जब बुक से पढ़ रहे होंगे आप, आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक्स हट चुके हैं, कौन से टॉपिक अब सिलेबस का पार्ट है, तो टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका। तो बुक में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से टॉपिक्स हटे हुए हैं, कौन से टॉपिक्स अब है आपके पार्ट में। सेकंड क्या बेनिफिट होगा कि अब जो पर्टिकुलर क्या होता है कि 9th क्लास के कुछ टॉपिक्स 10th में काम आते हैं, 10th के टॉपिक्स 11th में काम आते हैं, 12th में काम आते हैं, तो अभी की पढ़ाई हायर क्लासेस में काम आ रही होती है। तो मैं हाईलाइट कर दूंगा कौन से टॉपिक्स जो हटाए गए हैं वो आगे काम आने वाले हैं, तो उसको अपने बिहाफ पे आपको करना होगा कंप्लीट। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, किसी को हेल्प की जरूरत होगी तो बोल देना, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ताकि आपका हेल्प हो सके। क्लियर है बात? अपने आप को मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरा नाम शशिकांत है, मैं इसरो में साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूं, और मेनली मैं फ्री टाइम में टीचिंग मेरा पैशन है, तो मैं IIT नीट वगैरह का गाइड करता हूं बच्चों को। ठीक है ना, आईसीएसई बोर्ड पे भी अभी 9th-10th के लिए मैं प्लान कर रहा हूं। मैंने इस बार 9th-10th के कुछ वीडियोज डालना भी स्टार्ट किया है, वीडियो बनाना स्टार्ट किया है थोड़े बहुत। ठीक है, तो बेसिक बातें समझ में आ गई। जो थर्ड एक था इंपॉर्टेंट काम जो मिस हो गया था वो क्या, थर्ड कि बेसिकली कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब काउंसिल को सिलेबस में चेंज करता है सडनली, तो क्या होता है कि जिस साल चेंज होता है उस साल तुरंत स्कूल वाले उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। काउंसिल तो फॉलो करता है उस चेंज को, बट स्कूल वाले उन टॉपिक्स को पढ़ा देते हैं और अपने टेस्ट में एग्जाम्स में पूछ रहे होते हैं। तो क्या है कि बेसिकली आप अपने टीचर को अवेयर कर सकते हो कि ये टॉपिक हटा हुआ है, तो बहुत तरह का जो बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्वेश्चन आ जाने के बाद, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेबस में नहीं था, बच्चों ने आंसर कर दिया, तो अब कुछ को मार्क्स देंगे नहीं देंगे, ग्रेस मार्क्स मिलेगा, बहुत तरह के कन्फ्यूजन होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप पहले जा सकते हो कि मैम ये वाला पार्ट या सर जो भी है ये वाले पार्ट सब सिलेबस से ओमिटेड है, तो उससे भी काफ़ी कम्फर्ट मिल जाता है आपको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस को, हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर रिमूव किया गया है वो चैप्टर है लॉगरिथम, लॉगरिथम हम हटा दिया गया है। सेकेंड चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर तो है अभी भी सिलेबस का पार्ट है, बट इसका एक सेक्शन हटा दिया गया, एक टॉपिक हटा दिया गया। कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है? रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन के जो फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस हैं बुक में, तो वो वाला पार्ट अब सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है, तो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन हटा दिया गया है। थर्ड पार्ट कौन सा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स, रेगुलर हेक्सागन वगैरह का कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्केल एंड कॉम्पस वगैरह है, सिलेबस में पहले हुआ करता था, अब हटा दिया गया है। रेगुलर हेक्सागन्स पॉलीगन्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, जो पैरेललोग्राम वगैरह के जो बनाने हैं तुम्हें, रोम्बस रेक्टेंगल, वो सारा पार्ट है, बट रेगुलर हेक्सागन एंड पॉलीगन्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो रिमूव हो चुका है। और क्या हटाया गया है? प्रूफ एंड यूज ऑफ एरिया थ्योरम हटा दिया। एरिया थ्योरम क्या होता है बेसिकली, कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उसमें से एक लाइन को बेस बनाते हुए अगर पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं, ऐसा एक लॉ होता है हमारे पास। और ट्राइंगल्स जो होते हैं, ट्राइंगल्स वालों का जो होता है बिटवीन द सेम पैरेलल साइड्स, तो जो ट्राइंगल्स फॉर्म होता है ऑन द सेम बेस, उन सारे ट्राइंगल्स का आपस में एरिया इक्वल होता है और वो पैरेललोग्राम के हाफ होता है। तो ये लॉज होते हैं बेसिकली जिनको अब हटा दिया गया, ये थ्योरम हटा दिया गया सिलेबस से। इनमें से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आगे काम आ सकते हैं? तो अगर आप मैथ्स एंड साइंस में कंटिन्यू करते हैं, मैथ्स साइंस के फील्ड में कंटिन्यू करते हैं, तो लॉगरिथम बहुत काम आने वाला है, बिकॉज वो फिजिक्स में भी काम आता है, मैथ्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है। ठीक है, तो लॉगरिथम बहुत काम आने वाला, आगे पढ़ाया जाने वाला भी नहीं है ढंग से। ठीक है, इसके बाद एरिया थ्योरम जो है, पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, कहीं कहीं पे ज्योमेट्री का एप्लीकेशन आ सकता है, बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मली नहीं आता, बट कोई बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन हो तो कभी उसमें का रेगुलर मेरा यूज आ सकता है, नॉर्मली यूज नहीं आता इसका। ठीक है, और किसी ने अगर आगे चल के कॉमर्स वाला फील्ड पिक करना है, कमर्शियल अरिथमेटिक वगैरह में बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन उनके लिए आ सकता है काम, जो आगे जाकर के जनरल कॉम्पिटिशन, बैंकिंग, SSC वगैरह की तैयारी करने वाले हैं। बात क्लियर है?
चलो आगे देखते हैं। अब फिजिक्स के सिलेबस में चेंजेस क्या क्या हैं, तो इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। कौन कौन से टॉपिक्स? फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला है, इसके अंदर हटाया गया है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो उसका बी पार्ट है चैप्टर का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जीरो एरर्स, लीस्ट काउंट, ये सारा कुछ हट चुका है, पूरा सेक्शन ही हट चुका है। ठीक है, इस सेक्शन को हटाया गया है, बट सिंपल पेंडुलम वाला जो पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग सिंपल पेंडुलम, वो पार्ट है सिलेबस में, उसको रिमूव नहीं किया गया है। सिर्फ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वाले पार्ट को हटाया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या हटाया गया? हीट वाला जो चैप्टर है तुम्हारे पास, हीट का जो चैप्टर है, हीट वाले चैप्टर में, हीट एंड एनर्जी वाला चैप्टर है तुम्हारा, उसमें एनर्जी फ्लो एंड इट्स इंपॉर्टेंस को हटा दिया गया है। एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये सारा कुछ हट चुका है। ठीक है ना, ये वहाँ पे एक चैप्टर में लिखा गया कि कैसे चेन में, फूड चेन वगैरह में किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है, वो सारा कुछ हट चुका है अब सिलेबस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या हटाया गया है? लाइट चैप्टर के अंदर, लाइट चैप्टर के अंदर दो तीन फॉर्मूलेज हैं जो हटा दिए गए हैं, लाइक फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू हटा दिया गया है, साइन कन्वेंशन मिरर्स के लेके वो हटा दिया गया है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फॉर्मूला हटा दिया गया है, और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एरिया में इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड यूजेस हटा दिया गया है। इनमें से कौन से पार्ट्स हैं जो आगे काम आने वाले हैं? यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, अगर पढ़ लो तो बेटर है, आगे काम आने वाला है, आगे काफी कुछ इसमें स्टडी करना होगा, और साथ में तुम्हारे प्रैक्टिकल सिलेबस भी इसको रखा हुआ है, अभी तक प्रैक्टिकल सिलेबस से नहीं हटाया गया है। तो यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, उसका लिस्ट काउंट वगैरह कैलकुलेट करना प्रैक्टिकल के सिलेबस में है, थ्योरी से हटा दिया गया है, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, इसके अलावा ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है, लाइट का जो पार्ट है, इक्वल टू आर बाई टू, साइन कन्वेंशन, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स और मिरर फॉर्मूला, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना, आगे बहुत काम आएगा, टेंथ में ही बहुत काम आएगा। स्फेरिकल मिरर सभी हम लोग तुम लोग पढ़ रहे हो, नेक्स्ट ईयर तुम्हें पढ़ना है स्फेरिकल लेंसेज, तो वहाँ लेंस फॉर्मूला आएगा जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये करने से वहाँ बहुत बेनिफिट होगा। क्लियर है? केमिस्ट्री के टॉपिक्स, तो एक चैप्टर है वाटर नाम का, एक चैप्टर है तुम्हारी बुक में, तो उस चैप्टर का जो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर का जो भी पार्ट है, हार्डनेस ऑफ वाटर का सारा पार्ट रिमूव हो चुका है, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर हट चुका है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के जो भी मेथड्स वगैरह दे रखे हैं सारा पोर्शन हट चुका है, हार्डनेस वाटर का कनेक्टेड सारा टॉपिक हट चुका है। इसके बाद एक चैप्टर अलग से, पूरा चैप्टर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो हट चुका है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का चैप्टर हट चुका है, और मेरे अकॉर्डिंग इन सारे टॉपिक से हटने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हार्डनेस ऑफ वाटर का थोड़ा बहुत अगर समरी सा भी अगर देख लो हाफ पेज का, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लायक नहीं था, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन तो बाद में तुम कभी भी चाहो पढ़ सकते हो, ऐसा कोई क्रिटिकल नहीं है ये टॉपिक्स। ठीक है, टेंथ क्लास में बहुत क्रिटिकल टॉपिक्स को हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत हुआ है केमिस्ट्री में, नाइन्थ में ठीक ठाक है, अगर हटाया है तो कोई गलत नहीं हटाया है। ठीक है, तो इसके साथ ये डिस्कशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स, अब जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर किसी टॉपिक में ज़रूरत होती है तो बोल देना, कंप्लीट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, उन टॉपिक्स का स्पेशली, केमिस्ट्री का मैं फुल सिलेबस प्रिपेयर कर रहा हूँ और अपने ऐप पे डाल रहा हूँ, मेरा जो मोबाइल ऐप है उस पर मैं डाल रहा हूँ, केमिस्ट्री नाइन्थ एंड टेंथ डाल रहा हूँ। ठीक है, टेंथ मैंने ऑलरेडी दो चैप्टर डाल रखे, नाइन्थ स्टार्ट कर रहा हूँ फिलहाल, और सिर्फ केमिस्ट्री का डाल रहा हूँ। मैथ्स एंड फिजिक्स नाइन्थ टेंथ ICSE में नहीं डील कर रहा। ठीक है, इलेवेंथ ट्वेल्थ में करता हूँ मैथ्स फिजिक्स डील, IIT JEE नीट वगैरह के लिए, बट टेंथ क्लास में नहीं कर रहा, बिकॉज बेसिकली क्या है कि जो मेरे एक बहुत रिस्पेक्टेड सर हैं वो मेनली डील करते हैं मैथ्स फिजिक्स, तो मैं उसमें नहीं डील करता, मैं सिर्फ केमिस्ट्री का बना रहा हूँ पोर्शन। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो हटा दिया गया है सिलेबस से, तुम्हें उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी टॉपिक में सच में प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ पर्टिकुलर एक आध जगह थोड़ा बहुत, तो बोल देना, मैं उसका कंप्लीट डिटेल में समझा दूंगा, बना दूंगा वीडियो, देन कंप्लीट। तो बस यहीं एंड करते हैं वीडियो को, थैंक यू।